हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और देखिए कितने सुंदर से फ्लावर खिले हुए हैं और इसी खूबसूरत फ्लावर के साथ मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं अपने गार्डन का अपडेट दे रही हूँ, किस तरह से अभी इस समय गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं, कौन से काम मैंने कर लिया है पीछे एक महीने के अंदर और कौन सा काम अभी बचा हुआ है। तो देखिए कितने सुंदर से ये एनुअल क्रिसेंथेमम के फ्लावर खिले हुए हैं और एक ये टायर प्लांटर में लगा हुआ है। जब ये फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं ये टायर प्लांटर हटा दूँगी और मिट्टी किसी और यूज़ में ले लूँगी। और यहाँ पे साइड साइड में कटिंग करके जितने भी कोलियस के पुराने पौधे थे यहाँ रख दिया है। अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी तो इन्हें मुझे शिफ्ट करना है। और ये ऊपर वाली छत की वीडियो है, यहाँ पे जो कुछ वेजिटेबल प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं वही हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और आज मैं अलग अलग पार्ट, दो पार्ट में वीडियो नहीं डालूंगी, एक ही पार्ट में मैं वीडियो डालूंगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा कि किस तरह से गार्डन में मैंने कौन कौन सा काम कर लिया है और कौन से पौधों में किस तरह की ग्रोथ हो रही है। तो अनार का पौधा समझ के ही मैंने देखिए इसको इतने बड़े से पॉट में शिफ्ट कर दिया है और ये पॉट मुझे लाए काफ़ी दिन हो गए थे, कई बार मैंने वीडियो में इसको बताया भी है। अब जाके जब मौसम सही हुआ है तो मैंने इस तरह से इसको शिफ्ट कर दिया और जैसे ही इसको इस पॉट में मैंने शिफ्ट किया है, देखिए फिर से इसमें कितनी ढेर सारी कलियाँ बन रही हैं और फिर से ये जल्द ही फ्लावर पर, ये देखिए फ्लावर पर आ जाएंगे। तो शायद और एक साल इसमें लगे फ्रूटिंग के लिए, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया कि ग्रोथ ये अच्छे से ले ले। यहाँ पे देखिए एक और चीकू का पौधा है, चीकू के पौधे में बहुत अच्छे से इस बार जाके दो साल पे फ्रूटिंग हुई है, अभी तक इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई थी। और देखिए छोटे छोटे से काफ़ी चीकू के फ्रूट लगे हुए हैं यहाँ पर, देखिए जितनी भी ब्रांच है सब में लगी हुई है, ये देखिए इस तरह से फ्रूटिंग हुई है। तो इसको भी मैंने देखिए इस पॉट में शिफ्ट कर दिया है, ये भी 12 इंच से कम 10 इंच के ही ब्लैक वाले नर्सरी पॉट में लगा हुआ था, तो इसको भी मैंने इस तरह से शिफ्ट कर दिया है। हाइट काफ़ी अच्छी है, लगभग ये 15 इंच के लगभग है ये, तो इसमें मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। चौड़ाई भी काफ़ी है पॉट की और इस तरह से देखिए ग्रो बैग जो खाली हुए थे उनको मैंने खाली किया है। और इसमें जल्द ही मैं भिंडी के सीड डालने वाली हूँ, इस बार पिछली बार 2-3 ग्रो बैग में ही लगाया था लेकिन इस बार मैं कम से कम 6 या 7 ग्रो बैग खाली करूँगी और सब में एक साथ लगाऊँगी कि एक टाइम अगर मैं भिंडी मुझे मिले तो वो सब्ज़ी बनने के काम आ जाए। इस तरह से देखिए कुछ टमाटर के नए पौधे हैं जिसपे अभी फ्रूटिंग नहीं हुई है, कुछ पुराने पौधे हैं जिसपे काफ़ी दिनों से हो रही है, टमाटर तैयार हो रहे हैं और मैं हार्वेस्ट भी कर रही हूँ। तो टमाटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनको एक साथ ना लगा के लगभग एक एक महीने के गैप पे हम कुछ कुछ पौधे लगाएं तो उनसे हमें लगातार टमाटर मिल जाते हैं। यहाँ कुछ मिर्च के पौधे हैं जो पहले लगे हुए थे, यहाँ भी एक टमाटर का नया पौधा है और सेम का जो पौधा था उसको मैंने कट कर दिया है, तो इसमें नई ग्रोथ फिर से आ गई है। और यहाँ भी बीच बीच में मैंने एनुअल क्रिसेंथेमम के प्लांट लगा दिए हैं। इधर ये पौधे कटिंग से तैयार हैं जिनको अभी मैंने जल्दी ही रिपोर्ट किया, तो इधर कुछ इस तरह का है। और इधर देखिए अभी जो मैंने नया सेटअप डाला था वहाँ पे, ये देखिए मनी प्लांट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अब इसमें फिर से नए नए देखिए नई नई जो है ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर देखिए। तो जहाँ जहाँ से इसका नॉड एरिया है वहाँ पे नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। और कुछ देखिए अभी गर्मी की भी तैयारी हो रही है समर गार्डन की, तो टर्टल वाइन दोनों, पर्पल वाला भी और ये ग्रीन वाला, दोनों को ही मैंने इस तरह से बास्केट में लगा दिया है और इसे हैंग नहीं करना है, किसी हाइट पे रखना है मुझे। यहाँ पे देखिए स्पाइडर प्लांट है और एक ये फिर से टर्टल वाइन। और कुछ यहाँ पर मैंने एरिका पाम का पौधा रखा है, अभी तक मैंने अपने टेरेस गार्डन में एरिका पाम का पौधा नहीं रखा था, जितने भी पौधे थे सब पोर्च में थे लेकिन इस बार मैंने 2-3 पौधे यहाँ पे रखे हैं। एक लेडी पाम है लेकिन इसको छाया चाहिए, अभी जब ये पोर्च गार्डन में था तो पत्तियाँ देखिए इसकी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पर इसको डायरेक्ट धूप मिल रही है तो इस तरह से देखिए पत्तियाँ इसकी जल रही हैं। तो कुछ अभी मुझे मार्च जैसे ही ख़त्म होता है मार्च में ही मैं यहाँ पे कुछ
इस तरह का सेट डलवाने जा रही हूँ जिससे यहाँ पे कुछ इंडोर प्लांट मेरे चल सके, पौधे ख़राब ना हो। और कुछ अभी पौधे मैं नए लेके आई थी तो इनको यहाँ पे रखा है, छाया है इस स्टैंड की। तो और ये कटिंग से तैयार हुआ पौधा है जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। अब ये भी कटिंग से तैयार हुआ एग्लोनिमा है। तो इस तरह से जो कटिंग से तैयार हुए छोटे पौधे हैं और ग्रोथ जिनके स्टार्ट हो चुकी है मैंने यहाँ नीचे रख दिया है जिससे इनको अच्छी खासी सनलाइट भी मिले और ग्रोथ भी अच्छे से हो। ये जनार्डू है लेमन कलर का और यहाँ पे एक और फिलेडेंड्रॉन की वैरायटी है। तो देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर सी हैं। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी, नई नई ग्रोथ इसमें आने लगेगी, मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी जिससे ये बहुत अच्छे से फैले। और ये भी देखिए डिवाइड करके ही मैंने इस पौधे को तैयार किया था। ये चाइना पाम है और ये साइक्लेमन है। इसका जो बल्ब था मिट्टी में अपने आप ही आ गया था किसी और पौधे के से। तैयार हुए पौधे हैं जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। यहाँ भी देखिए कटिंग से ही तैयार टिकोमा का एक पौधा है और काफ़ी कटिंग इस बार तैयार हुई थी तो धीरे धीरे अब इनको रिपोर्ट भी मुझे करना है। ये देखिए क्रसूला, इसको भी मैंने जैसे ही लेके मैं आई थी उसी से मैं देखिए कटिंग से एक पौधा मैंने और बना लिया है और इसकी कटिंग शायद लग चुकी है क्योंकि जब से मैंने इसको लगाया है इसकी पत्ती इसी तरह से है, बिल्कुल भी झुकी नहीं है। और इसको लगाए मुझे लगभग 20 दिन हो गए और पूरा हिस्सा कुछ इस तरह का है। यहाँ पर दिखाती हूँ एक सहतूत का, सहतूत नहीं है ये कुंदा का पौधा है क्योंकि सहतूत को भी मैंने उसका भी रूट बाउंड हो गया था तो रूट प्रूनिंग करके उसको भी अभी मैंने जल्दी ही शिफ्ट किया, मुझे याद आया वही पौधा है। लेकिन ये कुंदा का प्लांट है, इसकी भी रूट प्रूनिंग मैंने करके यहाँ पे लगा दिया है। अभी मुझे इसे छाया में रखना चाहिए था लेकिन मैंने डायरेक्ट उठा के यहीं रख दिया है और बड़े पॉट में इसको शिफ्ट किया है। तो इधर भी जितने भी पौधे लगे हैं सब कटिंग से तैयार हुए पौधे हैं। एक एक पौधा मैं नहीं दिखा पाऊँगी आपको। और यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे पौधे हैं जिनको 1 से 2 घंटे की धूप चाहिए और धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है अब, तो जल्द से जल्द मैं यहाँ पे ग्रीन नेट डलवाऊँगी या सीड डलवा दूँगी जिससे पौधे मेरे बचे रहें। और यहाँ पे देखिए कुछ हैंगिंग पॉट लगे हुए हैं, जब एक बार सीड लग जाएगी तो फिर मैं अच्छे से और यहाँ पर सेटअप डाल दूँगी। यहाँ पर कुछ पौधे और भी तैयार हो रहे हैं कटिंग से, काफ़ी पौधे। यहाँ देखिए अरेलिया है, ये वेरीगेटेड अरेलिया, तो इन सबको शिफ्ट करना है मुझे। यहाँ भी देखिए कुछ कटिंग से तैयार हो रहे पौधे हैं इस तरह से। इस बार जितना भी मैंने सकुलेंट मैं ले आई हूँ सबका तुरंत ही तुरंत कटिंग से पौधे तैयार करने की कोशिश की हूँ जिससे गार्डन में मेरे कुछ ना कुछ पौधे बचे रहें। पत्तियों से मैंने काफ़ी ग्रो किया है पौधा और सब में देखिए इस तरह से विविध प्लांट अब तैयार हो गए हैं। तो इनको लगभग 5-6 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट अप कर लेना चाहिए क्योंकि इस वाले पॉट में सिर्फ रेत है और कोकोपीट है, इसमें इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। जब तक मैं मिट्टी नहीं इनको दूंगी तो ये पौधा मेरा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और कई जगह मैंने ढेरों कटिंग भी लगाई है और पत्तियों से भी काफ़ी पौधे इस तरह से तैयार किए हैं। और यहाँ पे जितने भी पौधे हैं यहाँ पे देखिए ये सब मदर प्लांट हैं जो मैं नर्सरी से लेके आई हूँ और इसकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे से हो रही है। सीडम की ही एक वैरायटी है। इधर भी कुछ कैक्टस भी हैं इसमें और हावर्थिया है और सकुलेंट है। इन्हीं को मैंने इस तरह से देखिए ऐसी जगह रखा है जहाँ छाया हो और पौधे मेरे चल जाएं। ये देखिए वेरीगेटेड कलांचू का पौधा है तो इसको भी तुरंत ही मैंने पत्तियों से इस तरह से देखिए ग्रो कर लिया है। और यहाँ पे वेरीगेटेड क्रसूला है तो ये भी चल रहा है, ये फिंगर क्रसूला है। तो जितने भी सकुलेंट हैं यहाँ पे हैं और बाकी पत्तियों से भी मैंने इनको ग्रो करने की कोशिश की। यहाँ पे ढेरों कटिंग यहाँ भी मैंने तैयार कर दी। यहाँ पे देखिए लक्ष्मी कमल जो अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसकी भी कटिंग मैंने कई जगह लगा दी है और बीच बीच में इस तरह से बड़े प्लांट मैंने लगा दिए हैं जिससे इनकी छाया मिलती रहे। और यहाँ पर देखिए अब अगर हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो छत पे बहुत ज़्यादा चिड़िया आती हैं हम लोगों के, तो इस तरह से जहाँ तहाँ पानी की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे चिड़िया अगर आए पानी उनको मिल जाए। और कोशिश करें कि मिट्टी के ही पॉट में इस तरह से पानी रखें क्योंकि इसमें पानी थोड़ा ठंडा रहता है। तो अभी मेरे पास एक ही था तो मैंने इसमें रख दिया है और भी 2-4 ला के मैं जगह जगह रख दूँगी अपने गार्डन में जिससे चिड़ियों को पानी अगर वो पानी ढूंढे तो उनको पानी मिल जाए। यहाँ पे एक देखिए इस तरह से ट्रे गार्डन है।
अलाइसम में देखिए कितने अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं अब इस समय, जैसे ही धूप खिल के आई है सब में, जितने भी जिनकी जिनकी ग्रोथ रुकी पड़ी थी, जो भी पौधे डोरमेंसी में थे, सब पे देखिए नई नई ग्रोथ आ गई है, फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ये पौधा लग रहा था ख़राब हो जाएगा, पोर्च गार्डन में था, मार्बल पोथोज है और ये नियॉन है, तो दोनों को ही मैंने यहाँ टेरेस पे शिफ्ट किया था। अब बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगी है तो इनको छाया की ज़रूरत है, तो इस तरह से स्टैंड के नीचे मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी, नहीं तो इनकी भी पत्तियाँ जलने लगेंगी। तो अभी बहुत ज़्यादा गार्डन में सेटिंग का भी काम करना है, क्योंकि मौसम जैसे जैसे चेंज होता है उसी तरह से हमको फिर सेटअप भी चेंज करना पड़ता है गार्डन का। जो पौधे धूप वाले होते हैं उनको धूप में रखना होता है, जो छाया वाले होते हैं उनको छाया में रखना होता है। यहाँ पे सब परमानेंट प्लांट हैं, इनकी रूट प्रूनिंग मैंने, जिनकी जिनकी रूट प्रूनिंग ज़रूरी थी उनकी रूट प्रूनिंग भी मैंने कर दी है, और इनमें फिर से ग्रोथ आने लगी। और यहाँ पे देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो चीकू ने अपना टेंट हाउस डाल लिया है और इसी के अंदर बैठी हुई है। हेलो चीकू क्या कर रहे हो? टाइम मिलेगा तो उस समय मैं देखी। और यहाँ पे देखिए ये डॉग फ्लावर हैं देसी वाले, इनका 10-10 रुपए गट्ठर जो मिलता है वही मैं ला के लगाई थी, और सब पे देखिए कितने अच्छे से फ्लावर अब स्टार्ट हो गए हैं सब पे आने। और ये भी देखिए पौधा भी इस समय तुरंत नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। और यहाँ पे देखिए फायर बुस, इसका पौधा अपने आप ही बीज जब गिरते हैं तो उगाते हैं। जितने भी मेरे पुराने पौधे, दो पौधे थे, दोनों को मैंने हटा दिया है और ये नए पौधे अब तैयार हो रहे हैं, तो इनको ही मैं रिपोर्ट करूंगी और ये बड़े हो जाएंगे, बड़े पॉट में मैं शिफ्ट करूंगी। तो ये फायर बुश का भी पौधा अपने आप जहां तहां उगाता है। यहां देखिए नस्ट्रेशियम का पौधा, और ये तो गार्डन में अपने आप ही उग जाते हैं और फ्री के पौधे तैयार हो जाते हैं, और इनसे देखिए कितने सुंदर से फ्लावर होते हैं, ऑरेंज और येलो कलर के, काफ़ी सुंदर फ्लावर की बनावट भी होती है, अलग से बिल्कुल दिखते हैं। और थोड़ा सा अगर इनको नमी मिलता है या बड़ा सा पॉट मिलता है, ज़्यादा मिट्टी मिलती है, तो इस तरह से ये पौधे फैल जाते हैं और पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो इनको, इनके सीड को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पौधे ऐसे हैं जो गार्डन में हर साल अपने आप ही टाइम से उगाते हैं। ये हिस्सा देखिए, ऊपर का हिस्सा मैंने दिखा दिया है, अब ये नीचे वाला छत है, और यहाँ पे देखिए जितने भी देसी कलांचू थे अब उसमें फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं इस तरह से, और रेड कलर के देसी कलांचू में फ्लावर आते हैं इस तरह से गुच्छों में, और कितना सुंदर दिखता है पूरा जब एक साथ पूरा पॉट ये कवर कर लेते हैं। यहाँ नीचे कुछ कटिंग से पौधे तैयार हैं जिनको मैंने अभी यहीं रहने दिया है, और ये इसी तरह से इसमें रहेंगे क्योंकि मेरे पास अब ना तो पॉट है, ना मिट्टी और ना ही जगह, तो इसी तरह मैं इनको रहने दूंगी। यहाँ पे कुछ पौधे जो पहले लगे हुए थे वो पौधे पहले से ही लगे हुए, थोड़े बहुत पौधे जैसे ये पान का पौधा, यहाँ पे नमी भी रहती है और छाया भी रहती है, तो इस पान के पौधे को मैंने यहाँ लगा दिया है, और इसमें दो पौधे तैयार हैं कटिंग से, और दोनों को ही मैंने एक पॉट में लगाया है क्योंकि बिल्कुल भी मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी। जैसे पौधे ग्रो हुए थे वैसे शिफ्ट किया था, कटिंग इसकी मेरे से लगती नहीं थी, बहुत मुश्किल से ये कटिंग दो लगी है, तो मैंने एक ही पॉट में इसको रहने दिया। यहाँ फ़र्न की 2-3 वैरायटी है, एक ये है फ़र्न और काफ़ी सुंदर पत्तियाँ होती हैं इसकी, एक यहाँ पे है बोस्टन फ़र्न है, दो पौधे इसके लगे हुए हैं और एक ये वाला फ़र्न है, इन दोनों का नाम मुझे नहीं पता है। और ये तो बोस्टन फ़र्न है, ये ज़्यादातर दिख जाते हैं नॉर्मली, तो इनको भी इस तरह से मैंने छाया वाली जगह पे रखा है। ये रेन लिली का पौधा है, तो इस तरह से ये पौधे यहाँ लगे हुए हैं, और इसमें देखिए फाइकस की ढेरों कटिंग लगी हुई है, एक ही पॉट में मैंने इनको भी रहने दिया, इनको शिफ्ट नहीं किया। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होने लगी है कि अब वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और इसी सहतूत के प्लांट की मैं बात कर रही थी, इसकी 2 बार मैंने रिपोर्टिंग की है, और इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो ऐसा लग रहा था पौधा ख़राब हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से ये पौधा चला है। छोटा सा पौधा था, लगभग 6 इंच का ही पौधा, इतना बड़ा सा पौधा रहा होगा जब मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और इसकी पत्तियाँ वगैरह भी सूख चुकी थी। तो ये और एक चेरी का प्लांट, दोनों ही प्लांट मेरे अब चल चुके हैं, और लगभग इनको मंगाए मुझे साल भर हो गया। बस इसके फ्रूट इतने छोटे छोटे से हैं, और जो उसमें पिक्चर दिखाई गई थी, जो पिक्चर ऐड किया गया था उसमें बड़े वाले सहतूत थे, लेकिन इसमें इसी तरह के सहतूत छोटे छोटे से आते हैं। तो कभी मैं नर्सरी से लेके आऊँगी सहतूत के पौधे, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप पॉट में भी लगा दो तो उससे अच्छी खासी फ्रूटिंग आपको मिल जाती है। और ये सब परमानेंट प्लांट हैं, अब इनमें नई नई सी ग्रोथ आ रही है, सब में कंपोस्ट देने का काम करना है, मैं कर नहीं पा रही हूँ,
और यहाँ पे कटिंग से तैयार बोगनविला के 3-4 प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे देखिए कृष्ण कमल की एक कटिंग तैयार हुई है, तो कटिंग भी जहाँ तहाँ है, इनको भी रिपोर्ट करना है। और ये सीजनल कुछ प्लांट हैं। और यहाँ पे देखिए पेंसिल कैक्टस कितने अच्छे से चल रहा है, इसकी मैंने एक कटिंग तैयार की है। और यहाँ पे देखिए ब्लीडिंग हार्ट, इसको मैं कट कर दूंगी तो इसमें और नई नई ब्रांचेस बनेंगी, तो प्रूनिंग का भी कुछ कुछ काम बचा हुआ है। और ये चाइनीज़ लेमन का पौधा, अभी इसमें देखिए इस तरह से ऑरेंज कलर के, ऐसा लगता है छोटे ऑरेंज और ढेरों लगे हुए हैं, और उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। जितने भी अब नींबू के पौधे हैं सब पे फ्लावर इस समय स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये शायद देसी वाले ही पौधे हैं गजानिया के, क्योंकि इनकी जो स्टिक है बहुत लंबी लंबी सी है और इस तरह से इसमें फ्लावर आते हैं। और ये भी 10 रुपये का ही मैं बंडल लेके आई थी, ढेरों पौधे थे उसमें, जहाँ तहाँ मैंने लगा दिया था। तो इस समय इनको गिलहरी नहीं काट रही, तो अभी इसमें देखिए इस तरह से फ्लावर आ रहे हैं, और कितने सुंदर से फ्लावर आ रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। पहले तो इनको गिलहरी काट देती थी, बचते ही नहीं थे गार्डन में। यहाँ पर देखिए कैना लिली में जितने भी पौधे थे सब सूख गए थे, तो फिर से इनमें नए नए इस तरह से शुरू हो गए हैं, और इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। और ये देखिए ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, इसको भी इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, तो अब इसमें से नए नए पौधे निकल रहे हैं इस तरह से देखिए। और सीज़न आते ही फिर इसमें फ्लावर शुरू हो जाएंगे। पेंटास गार्डन में बहुत अच्छे से मेरे नहीं चलता है, तो देखिए अभी प्रूनिंग वगैरह मैंने की है, तो पेंटास की हालत कुछ ऐसी है। और ये पौधा कटिंग से तैयार हुआ पौधा है टिकोमा का, और पूरा इधर जो है मेरा बोनसाई जो मैंने तैयार किया है या कर रही हूँ जो अभी, उनकी ग्रोथ कुछ इस तरह से है। इस पर भी जेड प्लांट पे देखिए नई नई सी ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे सीजनल प्लांट ही लगे हुए हैं। यहाँ देखिए डहलिया पे अभी इस समय 2 फ्लावर आए हुए हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ऐसे जब धूप कम रहती है, मौसम सही रहता है, तो ये चल जाते हैं, लगभग हफ्ते भर से ज़्यादा फ्लावर चल जाते हैं, हफ्ता 10 दिन चल जाते हैं। लेकिन अभी इतनी धूप में ऐसा लग रहा है ये पौधा 3 से 4 दिन ही चलेगा ये फ्लावर। और गुलाब पे भी अब बहुत अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से देखिए गुलाब में भी फ्लावर आ रहे हैं, और देखिए जैसे जैसे नई ग्रोथ आ रही है किस तरह से इस पर, ये देखिए मिली बग लग रहे हैं। अब इस पर मैं एक बार नीम ऑयल का स्प्रे आज शाम को ही कर दूँगी, कलियाँ काफ़ी बनी हुई हैं, तो गुलाब में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन अब धूप बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए सब सीजनल प्लांट ही लगे हुए हैं पिटूनिया के। यहाँ अलाइसम को एक बार मैंने पूरा कट कर दिया था, प्रून कर दिया था, तो उसमें देखिए नई नई ग्रोथ आ रही है। और यहाँ पे पिंक वाइट गुलाब है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। और इस तरह से जो पौधे लगे हुए थे, और नस्ट्रेशियम तो जहाँ जहाँ उगा है, पत्तियाँ देखिए कितने बड़े साइज़ की हैं नस्ट्रेशियम की। और इस गमले में नमी रहती है, एक ये पर्पल वाला हिबिस्कस है, इसी के पॉट में अपने आप ही उगा हुआ है, तो मैंने छोड़ दिया। ब्रांच देखिए इसकी कहाँ तक जा रही है, कितनी लंबी सी ब्रांच इसकी हो रही है, और सब पिकलियाँ बनी हुई हैं। ये सब परमानेंट प्लांट हैं जो चल रहे हैं, जहाँ जहाँ देसी कलांचू है सब पे इस तरह से फ्लावरिंग बन रही है। और इधर देखिए ये देखिए देसी पिटूनिया, शाम के टाइम में जब वहाँ अंधेरा हो जाता है, वाइट सा ये भरा हुआ इतना खूबसूरत दिखता है। अभी शायद आपको उतना क्लियर ना दिख पा रहा हो क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और देखिए पूरा पॉट जो है भरा हुआ है, इसकी लंबी सी ब्रांचेस जाती हैं, और इस तरह से पूरा ये खिल जाता है वाइट कलर का, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो जहाँ जहाँ ये उगते हैं, कुछ जगह से तो हटा देती हूँ, कुछ जगह मैं छोड़ देती हूँ, तो इस तरह से देखिए ये खिले रहते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टैंड पर सब सीजनल प्लांट हैं, और देखिए मिट्टी भी सूख गई है, तो आज शाम को ही मुझे इनमें पानी देना पड़ेगा। और गजानिया वगैरह सब में फ्लावर आ रहे हैं, कैलेंडुला पे भी आ रहे हैं। गजानिया में इस समय गिलहरी कट नहीं कर रही है, शायद धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से वो इतना अब गार्डन में नहीं टहल रही है। और ये सारे पौधे सीड से उगे हुए पौधे हैं, तो इनमें देखिए इनमें भी पानी देना है मुझे। और सब पे अब देखिए फ्लावर फिर से बन रहे हैं, सारी पत्तियाँ लटक गई हैं धूप से, मिट्टी भी सूखी है। यहाँ पे सब गुड़हल के पौधे रखे हुए हैं, कुछ में अच्छे से पौधे चल रहे हैं, कुछ पौधे अच्छे नहीं चल रहे हैं, जैसे ये वाइट वाला है शायद, या पिंक लाइट देसी वाला है हिबिस्कस, अच्छे से नहीं चल रहा है। और यहाँ पे देखिए ये सभी वो पौधे हैं जिनको मैंने पूरा रूट जिनका ओपन कर दिया था,
और रूट बॉल खोल दिया था, तो इसमें भी कुछ पौधे अच्छे से चल रहे हैं और ये वाला पौधा उतने अच्छे से नहीं चल रहा है। तो सब में कुछ ना कुछ दवा या फर्टिलाइज़र देना है जो मैं दे नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए लालटेन हिबिस्कस है, इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया था और जो पौधा मैं नर्सरी से लेके आई थी वो मेरा पौधा ख़राब हो गया था। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें भी अब ये चल रहा है ये पौधा, और काफ़ी कलियाँ इस तरह से बन रही हैं यहाँ पे देखिए। ये देखिए काफ़ी फ्लावर आए हुए भी हैं यहाँ पे देखिए, सुंदर कितना सुंदर सा अलग सा फ्लावर दिखता है ये। तो कटिंग से ये पौधा इजीली तैयार हो जाता है, कटिंग लगाते रहना चाहिए जिससे गार्डन में कुछ ना कुछ पौधे हमारे बचे रहें। और इधर सब विनका पे मैंने अभी खाद दिया था, गोबर की खाद डाली थी, तो देखिए फिर से इसमें कितने अच्छे से नई नई ग्रोथ आई है। और ये जितने भी हैं सब ये हाइब्रिड विनका हैं, देसी वाले नहीं हैं, और सब पिछले साल के हैं, तो इनकी कटिंग करके मैंने इनमें फर्टिलाइज़र दे दिया था। इधर का कॉर्नर देखिए कितना घना सा अच्छा लग रहा है, हरा हरा सा और कलरफुल। और एक ये टिकोमा का पौधा है, तो इस पे देखिए फ्लावर आ चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, और फिर से इसमें बहुत नई नई सी ग्रोथ है। जितनी भी इसमें नई ग्रोथ है सब पे इस तरह से देखिए कलियाँ बनती हैं और फिर इसमें फ्लावर आते हैं। तो ये हिस्सा गार्डन का कुछ इस तरह से दिख रहा है, और कहीं कहीं मैंने हैंगिंग पॉट लगा दिए हैं। और अभी देखिए ये मेरे पास एक अंगूर का पौधा था, इसकी भी मैंने कल शाम को रिपोर्टिंग की है, तो इसको भी मैंने बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर दिया है। और अब यही समय सही समय होता है अंगूर के पौधे जो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं सर्दियों में, एक भी पत्ती नहीं बचती है प्लांट पे, ऐसा लगता पौधा सूख गया, देखिए ऐसा लग रहा है पौधा सूख गया सारी ब्रांच। तो ये समय होता है उनके ग्रोथ का, तो अभी हम इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह अच्छे से दे देते हैं तो पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आपका पौधा पुराना पौधा है, 2-3 साल का पौधा है, तो उस पर फ्रूटिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं नई ग्रोथ दिखा रही हूँ, यहाँ देखिए ये इस तरह से यहीं से पत्तियाँ आएंगी इसमें और नई ग्रोथ अब स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने इस पे चढ़ाने की कोशिश की है, अभी इसको और अच्छे से यहाँ देखिए पूरी पत्ती अच्छे से आ चुकी है। तो ये समय अगर आपके पास भी अंगूर का पौधा है तो उस पर अब काम करने का टाइम आ गया है, उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह अच्छे से दे के आप अगर बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस समय शिफ्ट कर सकते हैं। नाग चंपा का जितना भी पौधा था उसको भी मैंने कट कर दिया था, तो इसमें सब में देखिए नए नए से कल्ले आ रहे हैं। और ये जो है वेरीगेटेड कलांचू का पौधा है, इस पे भी देखिए इस तरह से रेड कलर के जिस तरह से देसी वाले में फ्लावर आते हैं सेम फ्लावर वैसे हैं, सिर्फ पत्तियों का कलर इनके थोड़ा सा सैडेड है, तो इस वजह से ये देसी कलांचू से थोड़ा सा अलग दिखते हैं। और यहाँ पे छोटा सा एक मैंने बनाया है सेटअप, ये पहले भी आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे कटिंग से ही सारे लगभग पौधे तैयार हैं, कुछ कोलियंस हैं, कुछ स्पाइडर हैं, कुछ रिबन ग्रास हैं, इस तरह के पौधे जेड प्लांट लगे हुए हैं। तो ये हिस्सा कुछ इस तरह का दिख, यहाँ पे देखिए एक देसी पॉइंसेटिया का प्लांट है, और इसमें जब इतने बड़े बड़े से प्लांट हो जाते हैं, लंबी सी ब्रांचेज हो जाती हैं, तो इस तरह के कुछ इसमें फ्लावर आते हैं, 4-5 ब्रांच है इसमें और इसमें फ्लावरिंग इस तरह से हो रही है। यहाँ येलो ललटाना है और इस पर भी देखिए इस तरह से बन रहे हैं फ्लावर, और सबकी प्रूनिंग मैंने कर दी थी। और ये देखिए एक चेरी का प्लांट है, इस पर भी देखिए इसको भी मैंने दूसरे पॉट में शिफ्ट किया और इस तरह से इसमें भी नई नई ब्रांचेज अब स्टार्ट हो गई हैं। बुगनविला वाइट वाला कितने सुंदर से इसमें भर भर के फ्लावर आते हैं, वाइट वाले बुगनविला में बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं। पॉट मेरे पास था एक, मैंने किसी को दे दिया, एक ही गार्डन में रखा है और बहुत अच्छे से इसमें भी फ्लावर आते हैं। इसकी भी सारी पत्तियाँ गिर चुकी थी, अब नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें। हिबिस्कस ये देखिए मिनिएचर हिबिस्कस, ये कटिंग से तैयार हुआ पौधा है और कितने अच्छे से इस पर भी फ्लावर आ रहे हैं। इसको भी मैंने कट कर दिया था, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी इसकी, कुछ ब्रांचेस छोड़ दी थी, कुछ की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और यहाँ पे देखिए अडेनियम है, अडेनियम की भी मैंने कटिंग कर दी है और जहाँ जहाँ से प्रून किया है वहाँ से देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब जहाँ जहाँ से भी मैंने प्रूनिंग की है सब पे नई ग्रोथ आ रही है। और यहाँ भी एक देसी हिबिस्कस है, इसको भी मैंने कट कर दिया था, तो इस पर भी कलियाँ वलियाँ काफ़ी बन रही हैं। ये टिकोमा का पौधा है और इस पर भी
अब ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए जितने भी ब्लैक नर्सरी पॉट में लगे हुए पौधे हैं सब कटिंग से तैयार हुए पौधे हैं, जिनको मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ और सभी कटिंग को मैं नहीं दिखा पाऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। यहाँ पे देखिए सब पौधे तैयार, ये एक जोरा है रेड वाला, यहाँ पे फिलोडेंड्रॉन का पौधा है, कनेर है सब, और यहाँ पे देखिए एलोमांडा येलो वाला, एलोमांडा बुश, कई कटिंग मैंने लगाई थी, कई कटिंग मैंने बहुत लोगों को दे भी दी और मेरे पास अभी इस समय कोई कटिंग नहीं बची हुई है। जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था उस समय सारे पौधे मेरे इस तरह से ख़राब हो गए हैं, एक कटिंग सिर्फ ये है जिस पे अभी नई नई ग्रोथ आ रही है, मदर प्लांट लेकिन इसका है, तो फिर मैं इस बार टाइम से इनकी कटिंग तैयार कर लूँगी जिससे ढेरों पौधे तैयार हो जाएं। पूरा हिस्सा जितने भी बुगनविला के पौधे हैं सब पे नई ग्रोथ आ रही है, फ्लावर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये मधुमालती का एक पौधा है ड्रॉप वाला, तो इस पे भी नई नई इस तरह से पत्तियाँ आ रही हैं, तो पूरा कुछ इस तरह का है ये हिस्सा। जितने भी बुगनविला है सब पे फ्लावर आ रहे हैं, इधर कटिंग से लगे हुए पौधे हैं। और ये देखिए सेंटर पॉइंट, आज ही मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, बीच में ये दोनों को मैंने एक ही में ज्वाइन कर दिया था। एक ही कनेर वाला पौधा था मेरे पास, काफ़ी हाइट इसकी अच्छी हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग में इधर उधर रखा मैंने कई पौधों को, इसको मुझे लगा यहाँ सेंटर में रखना चाहिए था, काफ़ी सुंदर लगेगा भी बीच में सेंटर में एक बड़ा सा पौधा। और इस तरह से फिर मैंने किनारे किनारे जैसे जो पौधे रखे हुए थे सीजनल वो मैंने रख दिए, और सब पे देखिए कितने अच्छे से फ्लावर आ गए हैं, जैसे पौधों को धूप मिली है सब में नई नई ग्रोथ आ गई है। इधर जो कलांचू के पौधे हैं हाइब्रिड वाले, सब कटिंग से तैयार पौधे हैं, सब में देखिए फ्लावर आ रहे हैं। इधर इम्पैसन के दो पौधे हैं, बिगोनिया हैं, और इधर गेंदे के छोटे वाले पौधे हैं, और यहाँ पे देखिए डॉग फ्लावर, सब में अब अच्छे से फ्लावर हो रहे हैं। यहाँ आइस प्लांट देखिए कितने अच्छे से आइस प्लांट पे फ्लावर आ रहे हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं इनके भी फ्लावर। और ये जरेनियम का पौधा, अब जाके इसमें फ्लावर आए हैं, इस तरह से गुच्छों में फ्लावर आते हैं, तो दो पौधा मैं ले आई थी सीडलिंग से, एक में फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं आने और एक में अभी कलियां इस तरह से बन रही हैं। और ये पौधा भी कटिंग से तैयार हुआ ही पौधा है, अबोली का, और ये गार्लिक वाइन है। तो जो मेरा मेन पार्ट है गार्डन का कुछ इस तरह से दिखता है, पूरा गार्डन अभी इस तरह से दिख रहा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है। और यहाँ भी देखिए एक स्टैंड पे मैंने इस तरह से डॉग फ्लावर लगाया है और ये पौधा लगाया है, इधर ये हाइब्रिड गजानिया है और कितने सुंदर से इसमें फ्लावर आए हुए हैं, देखिए चींटियाँ लगी हुई हैं, और पूरा जो ये हिस्सा है ऐसा लगा हुआ है। और जितने भी मैंने स्टैंड पे फ्लावर इस समय लगाए थे सब में देखिए फ्लावर अब स्टार्ट हो गए हैं, और पूरा ये स्टैंड पे लगा हुआ बास्केट कितना सुंदर लग रहा है, पूरा भरा हुआ सा, ये देखिए कलरफुल दिख रहा है, सब पे फ्लावर आ गए। एक चीज़ मैं आपको और दिखा रही हूँ, जब से मैंने गार्डन में अपने ये वाला पौधा ऐड किया है इस पे अभी तक फ्लावर नहीं आ रहे थे, और यहाँ देखिए इसको येलो जैस्मिन बोलते हैं और इस तरह से फ्लावर आते हैं इसमें, दूर से दिखेगा ये पूरा, देखिए कितना ज़्यादा ये फैल चुका है और कितनी लंबी लंबी से इसकी ब्रांचेज हैं, तो इस बार जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो काफ़ी सुंदर दिखेगा ये। पहले जब छोटे से पॉट में था तो इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं थी, ये इतना ज़्यादा फैला नहीं था, घना नहीं था पौधा, लेकिन अब जब बड़े से पॉट में मैंने लगा दिया है, ग्रो बैग में लगाया है मैंने, तो ये देखिए सभी ब्रांच पे इसमें कितनी अच्छे से कलियाँ बन रही हैं। और जहाँ तहाँ मैंने मूली के पौधे छोड़ दिए जिससे सीड बन जाए, तो ये गिलाडिया का पौधा, अब गिलाडिया को हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, गर्मियों में बहुत अच्छे से ये चलते हैं। यहाँ पे देखिए वाइट वाले बुगनविला पे कितने अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं, तो ये हिस्सा कुछ इसी तरह का है, अरेलिया है। और यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप मधुमालती है, इसमें इतने सुंदर से फ्लावर आते हैं, घने घने से पूरा पौधा भर जाता है फूलों से, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, जो देसी हमारा मधुमालती का पौधा होता है उस पर इतने अच्छे से फ्लावर नहीं आते हैं पॉट में अगर वो लगा होता है, लेकिन ये पॉट में अगर हम लगा देते हैं, ग्रो बैग में लगा देते हैं, तो लगातार इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और यहाँ पे एक एक जोरा का प्लांट है, तो इसमें भी अब नया नए कल्ले आ रहे हैं, इस तरह से लहसुनिया बेल है, और यहाँ पे एक मधुकामनी का पौधा है। ये थी फ्रेंड्स आज की गार्डन अपडेट, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, फिर भी वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और वीडियो अगर पसंद आए, गार्डन पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में,
ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।